नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली एमसीक्यू क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अब देखिए, समझिएगा, जितने स्टूडेंट आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बता दूं कैसे सेशन हमारा रहेगा। जितना भी मॉर्निंग में हमारा करंट अफेयर रहता है उसको हम वीकली कंपाइल करके आपके साथ डिस्कस करते हैं मंडे को, और ये हमारा 12 बजे होता है। हर मंडे को हमारी मुलाकात 12 बजे रहती है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लास्ट वीक के रहे उनका डिस्कशन करते हैं। अराउंड मेरे पास आज 75 के लमसम एमसीक्यूज है, उनका डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे 30 से 40 मिनट में इसको कंप्लीट करने की। आपके लिए टास्क रहेगा, फटाफट से आंसर देते चलेगा। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर, फटाफट से आपको इतना काम करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। टेक्निकल टीम स्क्रीन को जूम करें। किस कंट्री ने अभी हाल ही में जो एंशिएंट हिंदू रिलीजियस साइट है, जिसको मैं बात करूं टेंपल है, जिसका नाम पंज तीरथ है, उसे नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सिंपल सा सवाल है, किस देश ने प्राचीन हिंदू मंदिर या हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीरथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी रूपी है। इमरान खान की बात करेंगे, वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने एक बॉन्ड भी लॉन्च किया, उस बॉन्ड का नाम पांडा बॉन्ड है, और ये जिस करेंसी में लॉन्च किया गया है वो है रैन मिनबी, और ये रैन मिनबी किसकी करेंसी है? चाइना की है। तो सिंपली क्लियर होता है कि चाइना के कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने के लिए पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक बॉन्ड लॉन्च किया, जिसका नाम है पांडा बॉन्ड। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। बांग्लादेश कैपिटल इज ढाका, ढाका करेंसी टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और इन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए अभी शपथ ली है। ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी रियाल है। इराक की कैपिटल बगदाद है, करेंसी दिनार है। इजराइल कैपिटल जेरूसलेम, करेंसी इज न्यू शकिल, इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस कंट्री ने अभी हाल ही में 100 किलोमीटर रेंज का, या यूं कह सकते हैं A100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, या यूं कह सकते हैं कि उसने अपनी जो आर्सेनल है उसमें इसको रख लिया है। सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में, किस देश की सेना ने अपने शस्त्रागार में स्वदेशी रूप से विकसित A100 रॉकेट को शामिल किया है? आंसर की बात करें, यहां भी अपना जो आंसर बनेगा वो पाकिस्तान बनेगा। सिंपली याद रखना है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने शस्त्रागार में स्वदेशी रूप से विकसित A100 रॉकेट को शामिल किया। एग्जाम में सवाल ये भी बन सकता है कि A100 रॉकेट किस देश का है, तो वो अपना आंसर बनेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस शहर में अभी हाल ही में गुजरात अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को, कह सकते हैं मतलब सिंपल शब्दों में ये पूछा गया है कि गुजरात का जो पहला एम्स है वो कहां पर खुलने जा रहा है? अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, भावनगर या राजकोट? ये 1200 करोड़ रुपए को चेंज करेगा, 1195 करोड़ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बट सवाल यहां पर ये यह है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है इसके लिए 1195 करोड़ रुपए। बट मेरा सवाल यहां पर ये यह है कि गुजरात के किस शहर में गुजरात को पहला एम्स मिलने जा रहा है? आंसर की बात करेंगे, आंसर आ चुका है, यहां पर राजकोट की बात हो रही है। गुजरात के राजकोट में पहला एम्स खुलेगा गुजरात का। ठीक है, अभी गुजरात की बात करें तो कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उससे पहले बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट ने 10% जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जितना भी है, EWC जितना भी है, उसके लिए 10% रिजर्वेशन क्लियर कर दिया है, इनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और ये 14 जनवरी से, आज की बात करते हैं, 14 जनवरी से गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, कल इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करते हैं तो अभी कटक में शुरू हुआ है, बट मेरा सवाल यहां पर यह है कि इसका एडिशन कौन सा है? बड़े ध्यान सुनिएगा, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ये कटक में शुरू हुआ है, बट सवाल यहां पर ये है इसका कौन सा एडिशन स्टार्ट हुआ है। देखिए, लोकसभा से क्लियर हो चुका है, वो राज्यसभा से क्लियर हो चुका है, उसके बाद प्रेसिडेंट ने यहां पर क्लियर कर दिया है, तो फाइनली अब ये बिल्कुल लागू हो जाएगा। जो एक अमेंडमेंट है वो 124th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आंसर की बात करते हैं तो आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ स्टूडेंट जा रहे हैं कि जो 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कटक में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो HRD मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी साहब की बात करते हैं, उन्होंने न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर को प्रगति मैदान में इनॉग्रेट किया था, बट सवाल यहां पर यह है इसका कौन सा एडिशन उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया?
जरा फटाफट से आंसर देके बताइए कि मानव संसाधन विकास मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, उन्होंने प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है, बट सवाल यहां पर यह है कि उसके किस संस्करण का इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। आंसर आ चुका है 27 की बात हो रही है कि 27वें संस्करण का इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसने प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना के अंतर्गत, या यूं कहे सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उस टारगेट को अचीव कर लिया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना के नाम से भी हम इसे जानते हैं, इसके अंतर्गत 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो बना ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। सवाल यहां पर यह है कि जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है ये निम्न में से किस स्टेट में है। आंसर की बात करें तो आंसर से पहले बीडी मिश्रा उस राज्य के गवर्नर हैं, और पेमा खांडू साहब की बात करते वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अपना आंसर बनता है यहां पर अरुणाचल प्रदेश। सिंपल शब्दों में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस शहर में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं अमित खारे, उन्होंने इंडियन पैनोरेमा फिल्म फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। किस शहर में इंडियन पैनोरमा जो फिल्म समारोह है उसका उद्घाटन किया गया? अगर यह सवाल बनता है कि उद्घाटन किया किसने, तो वो तो क्लियर है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव है अमित खरे, उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, बट किस शहर में हुआ जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर या यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक ही बात है, दोनों का, दोनों मंत्रालय एक ही व्यक्ति के पास है, उनका नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर है। और राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करें जयपुर रूरल राजस्थान, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान की बात करें यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अशोक गहलोत की बात करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो याद रखिएगा, उनका नाम है कल्याण सिंह, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जितने भी नए राज्यों में भी चुनाव हुए, जहां जहां नई सरकारें बनी, वो एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के कौन बने हैं? कमलनाथ बने हैं। वहां की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। इतना आप याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओके, एक चीज और मुझे बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है और वहां के गवर्नर का नाम क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर आंसर अपना न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट किया गया था। अब यहां पर पूछा गया है किस राज्य सरकार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य में अवैध कोयला खनन को रोकने में उनकी विफलता के लिए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने 100 करोड़ रुपए का एक स्टेट गवर्नमेंट पे जुर्माना लगाया है। रीजन सिर्फ इतना रहा है कि जो इल्लीगल कोयल माइनिंग है उसको ना रोक पाने की वजह से जुर्माना लगाया गया, ठीक है। आंसर जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आंसर आ चुका है इससे पहले वाले का, भूपेश बघेल इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इज आनंदीबेन पटेल की बात करें तो इनके पास यहां का एडिशनल चार्जेस, बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आंसर की बात करें, आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, मेघालय स्टेट गवर्नमेंट पर यह जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें कब ऑब्जर्व होता है? देखिए अब जनवरी की बात करता हूं तो वर्ल्ड ब्रेल डे आपका 4 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। 10 जनवरी की बात करते हैं तो वर्ल्ड हिंदी डे आपका 10 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल हिंदी डे या हिंदी दिवस की बात करते हैं तो वो अपने देश की बात करें वो आपका 14 सितंबर को ऑब्जर्व होता है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है। और अभी 12 जनवरी को अपना नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया है, नेशनल यूथ डे। इसके अलावा इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें तो ये आपका 12 अगस्त को ऑब्जर्व होता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है, एक एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। आंसर की बात करते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 4 जनवरी को आपका ऑब्जर्व होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। अब देखिए 25 जनवरी को भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब ऑब्जर्व होता है, नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व होता है, तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी को क्या ऑब्जर्व होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर क्लियर है। और अगर ये बता पाएंगे 1 जनवरी को क्या ऑब्जर्व होता है, क्या डीआरडीओ डे ऑब्जर्व होता है, क्या 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व होता है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व होता है, तो लिखिए यस सर ऐसा ही है, ठीक है। अगर नहीं है तो कौन सा दिन ऑब्जर्व होता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यह कहां पर लोकेटेड है, किस शहर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां स्थित है? आंसर अपना बनेगा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आई होप सो गाइस क्लियर होगा सभी के, 10 सवाल हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, 20 तक देखना, ठीक है।
who has been elected as a speaker of House of Representative for the second time. ये बात हो रही USA की, किसको दूसरी बार House of Representative का अध्यक्ष चुना गया है. सिंपल शब्दों में याद रखना है नैन्सी पेलोसी का नाम, नैन्सी पेलोसी का नाम याद रखना है, नैन्सी पेलोसी को दूसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी लग रहा है बट अगर आप इसे पढ़ते हैं ब्रेक करके तो सिंपली क्लियर हो जाएगा कि एक सिंगापुर बेस्ड एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट है, एशिया कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट है जो कि सिंगापुर बेस्ड है, उसने 2018 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को रिलीज किया है. सवाल यहां पर यह है कि किस इंडियन स्टेट ने इस इंडेक्स को टॉप किया है. ये बात की गई थी 21 स्टेट्स की, इंडिया के 21 स्टेट्स को इसमें कंसीडर किया गया. उसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन सा स्टेट रहा है, क्योंकि सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली रहा है. अब सवाल यहां पर यह है कि पहले पे कौन सा रहा, तो अपना आंसर बनता है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, यहां के गवर्नर है ESL नरसिम्हन. अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश को 25th हाईकोर्ट मिला है. इससे पहले जो हैदराबाद हाईकोर्ट हुआ करता था वो ज्वाइंट आंध्र प्रदेश का भी था और वो आपका तेलंगाना का भी था. अब तेलंगाना का अलग हाईकोर्ट है जो कि हैदराबाद वाला कहलाएगा, जो आंध्र प्रदेश का है वो अमरावती में हाईकोर्ट है. ठीक है, अब जो आंध्र प्रदेश में खुला है, आंध्र प्रदेश में जो अमरावती में हाईकोर्ट खुला है वो 25th हाईकोर्ट है इंडिया का. और यहां के जो चीफ जस्टिस बने एक्टिंग, उनका नाम है छावरी. ठीक है, मिस्टर छावरी उनका नाम याद रखेगा. इसके अलावा हैदराबाद हाईकोर्ट की बात करें, उसके भी चीफ जस्टिस बने हैं, उनका नाम क्या कमेंट बॉक्स में लिख के बता पाए तो बहुत बढ़िया. टीवी राधाकृष्णन अगर उनका नाम है तो ये बता दीजिए, टीवी सुब्रमण्यम उनका नाम है, तो जो भी नाम है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यहां पर लिख के बता सकते हैं. ठीक है, अंशुल पांडे जी फटाफट से आंसर दे दीजिए, आपका नाम हम लेते रहेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर फटाफट से दीजिए मेरे को कि जो 25th हाईकोर्ट बना है उसके जो हाईकोर्ट बना है हैदराबाद हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है, टीवी राधाकृष्णन, छागरी प्रवीण कुमार. बहुत बढ़िया, इनका पूरा नाम है छागरी प्रवीण कुमार. अब अगला बात करते हैं टीवी राधाकृष्णन, इनका भी क्लियर हो गया. टीवी यहां पर राधाकृष्णन इनका नाम है, सारी चीज अब क्लियर हो चुकी हैं. अब देखिए हैदराबाद की बात हुई तो हैदराबाद का याद रखिएगा, इनके के चंद्रशेखर राव अभी दोबारा से भी ये चीफ मिनिस्टर बने, इस बात को भी याद रख सकते हो. ESL नरसिम्हन यहां के भी गवर्नर है, दोनों ही राज्यों के गवर्नर ESL नरसिम्हन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया है. जो गोदावरी प्रोजेक्ट की बात हो रही, गोदावरी रिवर पे जो पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, बेसिकली बात करें जो बांध बनाया जा रहा है उसके तेजी से काम के लिए, उसका जो काम है उसका स्पीडी एग्जीक्यूशन के लिए, तेजी से उसके काम में जो काम किया जा रहा है त्वरित निष्पादन के लिए, शुद्ध हिंदी की बात करूं तो उसके लिए अवार्ड दिया गया है. और ये किस स्टेट को अवार्ड दिया गया, तो अपना आंसर बनता है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात करें एन चंद्रबाबू नायडू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. आंध्र प्रदेश की बात करेंगे उसको ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर अवार्ड. एग्जाम के लिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है पोंगल स्कीम. पोंगल स्कीम की बात करें तो जो मकर संक्रांति की बात होती देश भर में मनाया जाता है, वही इस राज्य में पोंगल स्कीम के नाम से भी मनाया जाता है. और इसके हाईकोर्ट ने इस पर बैन भी लगा दिया. हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि भाई मेरे एक बात बताओ, क्या हर कोई व्यक्ति को इस स्कीम के द्वारा पैसा देना क्या आवश्यक है? ऐसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ऐसे व्यक्ति जो कि पैसे वाले हैं, उनको भी इसके थ्रू पैसा मिलेगा, तो ये कहां से बेहतर स्कीम रही? ऐसे व्यक्तियों को चूज करिए जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते, बिलो पॉवर्टी लाइन आते, उनको पैसा देंगे इस स्कीम के थ्रू तो सही है. बट अगर ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल एक तरीके संपन्न है उनको देना लॉजिकल नहीं है, ऐसा कहना है भैया हाईकोर्ट का. ठीक है, तो इसके लिए इस पर बैन लगा दिया, इसलिए डेफिनेटली एग्जाम में बन सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पोंगल स्कीम लॉन्च की जिसके अंतर्गत राशन कार्ड होल्डर्स को ₹1,000 दिए जाएंगे. तो आंसर अपना बनता है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके की स्कीम लॉन्च की थी. ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस शहर में अभी हाल ही में 8th इंटरनेशनल मैराथन आयोजित हुई है, या किस शहर ने 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी की थी? तो अपना सिंपल सा आंसर बनता है बड़ौदरा. बड़ौदरा ने 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी की थी. अब एक सवाल यह भी बनेगा कि ये 8वीं जो इंटरनेशनल मैराथन रही है इसका विनर कौन है, मतलब कि ये किसके नाम रही है मैराथन और वो किस कंट्री से है. तो आते हैं नेक्स्ट सवाल उसी पर ही है. वेस्ले क्रिपोनो, वेस्ले क्रिपोनो इन्होंने 8वीं बड़ौदरा इंटरनेशनल मैराथन जीत ली है. बट सवाल यहां पर यह है कि ये किस कंट्री से हैं? वेस्ले क्रिपोनो ने 8वीं बड़ौदा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन जीत ली है और वो किस कंट्री से? आंसर अपना बनता है ये केन्या से हैं. केन्या की बात करेंगे, केन्या की कैपिटल है नायरोबी और करेंसी यहां पर शिलिंग चलती है. ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए. नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा और करेंसी यहां पर नायरा चलती है. युगांडा कैपिटल इज कंपाला, कंपाला और करेंसी यहां पर शिलिंग चलती है. रवांडा कैपिटल है कीगाली,
किगाली और करेंसी यहां पर चलती है फ्रेंक, रवांडा किगाली फ्रेंक, एंड घना की कैपिटल है अकरा और करेंसी सैडी है। इतनी बातों को याद रखिएगा। और यहां के प्रेसिडेंट का नाम है नाना अकूफो एडो, नाना अकूफो एडो यहां के राष्ट्रपति हैं, इस बात को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस शहर में, माफ करिएगा, किस देश ने अभी हाल ही में 17th एडिशन ऑफ एएफसी एशियन कप को होस्ट किया है, या कौन सा देश एएफसी एशियन कप के 17वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, सऊदी अरब या यूएई? इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, विच कंट्री इज होस्टिंग 17th एडिशन ऑफ एएफसी एशियन कप, कौन सा देश एएफसी एशियन कप के 17वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? ओके, आंसर की बात करेंगे, आंसर यहां पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ बनेगा, यूएई इज होस्टिंग 17th एडिशन ऑफ एएफसी एशियन कप। जो यूएई है वो 17वें एडिशन को होस्ट कर रहा है एएफसी एशियन कप के, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा एग्जामिनेशन के लिए से, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इन अ जनरल कैटेगरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। अब ये जो विधेयक है, जो संविधान संशोधन किया गया है, ये किस नंबर का किया गया है और कितने प्रतिशत के आरक्षण की यहां पर मंजूरी दी गई है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए। सर ये तो मोस्ट कॉमन हो चुका, अब इसे आप टिक करके आगे बढ़ लीजिए। चलो आगे बढ़ लेता हूं। यहां पर रिजर्वेशन की बात की गई 10% की, बट कौन सा संविधान यहां पर कह सकते हैं संशोधन की बात की, किस नंबर का है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नेहा जी जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को किस नंबर का यह संशोधन रहा है। आंसर की बात करें, आंसर अपना ऑप्शन नंबर यहां पर 4 बनता है, 10% रिजर्वेशन की यहां पर बात की गई है। और जयसवाल जी कह रहे हैं यहां पर कि 124th अमेंडमेंट रहा, बहुत बढ़िया, 124th यहां पर अमेंडमेंट रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इन विच सिटी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? बहुत सिंपल है, याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां शुरू हुआ है, यह आपको याद रखना है, यह आपका गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करते हैं, ये जलंधर में हुआ, फगवारा जलंधर पंजाब में रहा था। सवाल यहां पर यह है कि इसका कौन सा एडिशन रहा था, ये इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें, दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बट सवाल यहां पर यह है इसका एडिशन कौन सा रहा। आंसर की बात करें 106 यहां पर आंसर आ चुका है कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं कि 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां संस्करण जलंधर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड है, इसी के दौरान एक वुमेन साइंस कांग्रेस को भी इनॉग्रेट किया गया था जलंधर में, बट सवाल यहां पर यह है कि यह किसने इनॉग्रेट किया था, तो अपना आंसर बनता है टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा मंत्री की बात करेंगे स्मृति ईरानी, जो कि राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो अपना फिफ्थ है वो राइट आंसर बनेगा। सुरेश प्रभु की बात करें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ही इज अ सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री है, और ये राज्यसभा एमपी है आपके आंध्र प्रदेश से। रिसेंट में जो सवाल बना है ये यहां से भी पूछा गया, अक्सर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले ही पूछे जाते थे, बट अब ये भी पूछा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसकी राज्यसभा का क्षेत्र क्या है। तो गाइज प्लीज फोकस करिएगा, ये राज्यसभा एमपी आंध्र प्रदेश से, और स्मृति ईरानी जी की बात करते हैं, ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किनके द्वारा, इसी की बात हो रही 106 साइंस कांग्रेस की बात हो रही, इसी दौरान हुआ है जो भी हुआ है। 106 इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें, जो जलंधर में रहा था, वहां पर साइंस कम्युनिकेटर्स की एक मीट रही, इसको किसने इनॉग्रेट किया था, अपना आंसर यहां पर बनेगा रविशंकर प्रसाद, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, ठीक है, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, जो कि राज्यसभा एमपी बिहार से हैं। इन्होंने जलंधर में 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान संचारकों, इस पॉइंट को मार्क करेगा इंपॉर्टेंट, विज्ञान संचारकों की बैठक का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर समझना, सवाल कुछ और है, न्यूज कुछ और है, ठीक है, उस न्यूज से रिलेटेड ही है सवाल यहां पर। जो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे है, उन्होंने अभी एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप, जो अभी एक इवेंट होने जा रहा है, कुंभ मेला होने जा रहा है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के, तो उसके लिए यहां पर कहा गया है कि भाई एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए थी हमें, और इन्होंने कर भी दी, जिससे कि जो व्यक्ति हैं वहां पर आएंगे उनको नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो सवाल यहां पर यह है कि जो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, जिसने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, उसका मुख्यालय कहां पर है,
उसके मुख्यालय की बात यहां पर करते हैं तो आंसर आ चुका है, आंसर प्रयागराज हो रहा, प्रयागराज इससे पहले इलाहाबाद के नाम से हम जानते थे, ये हेडक्वार्टर है आपका नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेंटर ने अभी केंद्र ने 3 आरआरबी के अमलगमेशन की बात की है, या यूं कहें 3 आरआरबी को मर्ज कर दिया है, 3 आरआरबी को रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया है। सवाल यहां पर यह है कि उन 3 में से यहां पर कौन सा नहीं है, मतलब 3 है, मतलब कि सवाल यह है कि इनमें से ऑड वन कौन सा है, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, सतलज ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि उन 3 का पार्ट नहीं है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए इसको, ठीक है। साधना गुप्ता जी कह रही है प्लीज लाइक एंड शेयर, बहुत बढ़िया भैया आप भी कहिए हम भी कहते हैं, गाइस सेशन पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करते चलेगा, अगर आपको सच में पसंद आ रहा है कहीं ना कहीं आप में अगर 0 से 1% भी इंप्रूवमेंट हो रही तो डेफिनेटली लाइक करेगा, अदरवाइज यार बगल में ऑप्शन डिसलाइक का भी है, ठीक है। तो आंसर की बात करते हैं, यहां पर आंसर अपना यह है कि उत्कल ग्रामीण बैंक को मर्ज नहीं किया गया है, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक, इन 3 बैंक को मर्ज करके अब एक बैंक बना दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किनको या किन्होंने अभी नई दिल्ली में एक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है, ओके दोबारा समझ लेते हैं, हु हैज कन्फर्ड नेशनल अवार्ड्स टू 97 आंगनवाड़ी वर्कर्स एट द फंक्शन इन न्यू दिल्ली फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट फॉर द ईयर 2017-18। किसने 2017-18 के लिए असाधारण उपलब्धियों के लिए नई दिल्ली में एक समारोह में 97 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। सवाल यहां पर यह है कि किसने 97 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया था, जो उनका एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट रहा 2017-18 में, जो असाधारण उपलब्धियां रही उसके लिए सम्मानित किया गया, बट सवाल यहां पर यह कि सम्मान दिया किसने था। आंसर की बात करें, आंसर आ भी चुका है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ भी जा रहे हैं स्टूडेंट, मेनका गांधी जी की बात हो रही है जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें पीलीभीत उत्तर प्रदेश, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस बात को याद रखिएगा, और इनके द्वारा यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंडियन जो साइंस कांग्रेस रही उसी का ही पार्ट है, चाइल्ड चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की बात करें ये भी कहां पर रही, जलंधर में रही। सवाल यह है कि इसको जिनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया वो किस कंट्री से है, जैसे एक तो नोबेल लॉरेट की बात करते हैं अब्राहम हर्सोको की बात करें, इन्होंने इनॉग्रेट किया था, एफ डंकन एम हाल्डेन के द्वारा इनॉग्रेशन रहा था ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जलंधर में, बट सवाल यह है कि ये अब्राम और इसके अलावा बात करते हैं दूसरे जो हाल्डेन है ये किस देश से हैं, अब्राम और हाल्डेन किस देश से हैं, अब्राम की बात करें इजराइल आंसर आ रहा है और हाल्डेन की बात करें यूएसए आंसर आ रहा है। लेट्स सी गाइस आंसर क्या होगा, आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये जो अब्राम है ये इजराइल से है और यूएसए से है हाल्डेन। सवाल ये भी बन सकता है किन्होंने इनॉग्रेट किया, तो इनका नाम याद रखना, अब्राम और हाल्डेन ने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का इनॉग्रेशन किया था कहां पर, जलंधर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किनके द्वारा टाटा ओपन महाराष्ट्र का जो अभी एक खिताब रहा है वो जीता गया है, बेसिकली बात करिए टाटा ओपन महाराष्ट्र है ये कहां पर हुआ था, पुणे में हुआ था, और सवाल यहां पर ये है कि ये ओपन का टाइटल, इस ओपन का टाइटल किसके द्वारा जीता गया, आंसर की बात करें फटाफट दीजिए, रोहन बोपन्ना दिव्य सरन आंसर आ भी रहा है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर 5 के साथ में जाऊंगा, रोहन बोपन्ना और दिव्य सरन ने पुणे में टाटा ओपन महाराष्ट्र में पहली बार एटीपी टूर टेनिस खिताब जीता है, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ठीक है, से एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, पूछ सकता है दिव्य सरन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, आंसर इज लॉन टेनिस, ठीक है, एंड रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो मोस्ट कॉमन है सभी को पता है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट गाइज, रानी की बात करते हैं, उन्होंने सीनियर वुमेन नेशनल जूडो चैंपियनशिप में अभी स्वर्ण पदक जीता है, रानी की बात करें उन्होंने सीनियर राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप में अभी स्वर्ण पदक जीता है, बट सवाल यहां पर यह है कि जो ये सीनियर राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप थी ये कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी, हिसार में, न्यू दिल्ली में, विशाखापट्टनम में, कोलकाता या आगरा, आंसर की बात करेंगे आंसर यहां पर विशाखापट्टनम बनेगा, इसका आयोजन रहा था विशाखापट्टनम में, डेफिनेटली ये भी पूछ सकते हैं कि रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो शी इज रिलेटेड टू द जूडो। नेक्स्ट, अभी देखना सीएसओ की ग्रोथ फोरकास्ट कर चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, सीएसओ का आ गया है, आरबीआई का आ गया है, वर्ल्ड बैंक का आ गया है, आईएमएफ का आ गया, आईएमएफ नहीं एडीबी का आ गया है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। सवाल यहां पर यह है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2017 में 6.7
प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 18-19 के दौरान जीडीपी में वृद्धि दर कितनी अनुमानित है। इतनी टिपिकल लैंग्वेज में से सिंपल सा सवाल ये पूछा है कि सीएसओ ने 18-19 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी फोरकास्ट की है, तो भाई मेरे आंसर अपना बनता है ये फोरकास्ट की 7.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना जो राइट आंसर बनेगा वो 4 अपना राइट आंसर बनेगा। लेकिन इससे पीछे करते हैं, अब देखते हैं आरबीआई ने कितनी की। आरबीआई ने कहा 18-19 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 7.4%। अब वर्ल्ड बैंक कहता भाई ना मैं तेरी सुनूंगा ना मैं इसकी सुनूंगा, मैं तो अपनी सुनूंगा, मैं 7.3% जाऊंगा। तो वर्ल्ड बैंक बीच में आ जाता है। अब एडीबी कहता भाई तू भी गया इसकी तरफ तो मैं भी आता हूं तेरी तरफ। ठीक है, तो 7.3% एडीबी कह देता है। तो एडीबी और वर्ल्ड बैंक दोनों ने फोरकास्ट की 7.3%। सीएसओ ने कहा 7.2% और आरबीआई ने 7.4% किसके लिए, 18-19 के लिए। इन बातों को भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सीएसओ ने क्वार्टर वन की, देखिए Q1 Q2 Q3 और Q4 होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो अप्रैल मई जून की जो इसने ग्रोथ रेट बताई कि इतनी रही है, ये इतनी रहेगी, अनुमानित है इतनी रही है, वो एग्जाम का पार्ट बनता है, तो 8.2% रही है। क्वार्टर टू की जो ग्रोथ रेट रही थी वो 7.1% रही थी। इस बात को आप याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इनको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। एक प्लेबैक सिंगर की बात हो रही पी सुशीला जी की, उनको हरिवंशानम की बात करेंगे, उन्हें हरिवंशानम पुरस्कार के लिए यहां पर चुना गया है। सवाल यह है कि जो ये हरिवंशानम पुरस्कार है ये किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये पुरस्कार है ये किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। ओके, आंसर की बात करें सिंपल शब्दों में याद रखना है। देखो दोस्त मेरे क्वार्टर की बात पे उल्ट फोटो ना भेजा करो, ठीक है। हाँ नहीं तो मैं समझ जाता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, मैं उठ के वहीं से आया हूँ जहां पर तुम अभी बैठे हुए हो, तो समझ में सब कुछ आता है। अब उल्ट सुल्ट फोटो ना भेजो, सिंपल सा आंसर भेजते रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत सवाल अभी 30 तक पहुंचे मेरे दोस्त, अभी 45 सवाल बाकी है। अपना आंसर जो बनता है वो केरल है, केरल राज्य सरकार के द्वारा यहां पर इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। नेक्स्ट, नेवी ने भी हाल ही में कहा है कि वो अपना एक नया बेस बनाने जा रहे हैं, बट सवाल यहां पर यह है कि इस बेस को किसके द्वारा कमीशन किया जाएगा। देखना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत टिपिकल लैंग्वेज लिखी है, इसे मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कि नेवी अभी हाल ही में अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, वहां पर जो पोर्ट ब्लेयर है वहां पर अपना एक नया बेस बनाने जा रहा है, उसे कमीशन करेगा, जिसका नाम है INS कोहासा। सवाल यह है कि 24 जनवरी को INS कोहासा को किसके द्वारा कमीशन किया जाएगा। भाई मेरे एक से एक माशाल्लाह यहां पर, ठीक है, मैं बस उंगली पकड़ाऊंगा पूरा हाथ पकड़ लेंगे, आंसर दोगे नहीं दोगे यहां पर, ठीक है। नेवी चीफ की बात करेंगे सुनील लांबा, इनके द्वारा इसे कमीशन किया जाएगा। निर्मला सीतारमण की बात करते हैं, अगर ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये रक्षा मंत्री है और शी इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये राज्यसभा एमपी कहां से, कर्नाटक से, बाकी तो 3 का पता ही है ना, ये याद रखना, राज्यसभा एमपी है कर्नाटक से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शेख हसीना जी की बात करते हैं, तो इनको बांग्लादेश का प्रधानमंत्री फिर से चुना गया है। अब ये किस कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं, दूसरे पांचवें चौथे तीसरे छठे किस कार्यकाल के लिए शेख हसीना जी को प्राइम मिनिस्टर चुना गया, तो सिंपली याद रखना है इन्हें 4th टर्म के लिए यहां पर चुना गया है। अब एक जो सवाल बन सकता है वो इसके अलावा ये बन सकता है कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या, तो वो तो सभी को पता, ढाका, तो याद रखना कैपिटल इज ढाका, करेंसी इज टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है जरा प्लीज लिख के बताइएगा, ठीक है, उसका नाम क्या है जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, जिसका जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। आंसर का वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में, फिर मैं डिक्लेयर भी करता हूं एग्जैक्टली राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट, ग्रह फाइनेंस की बात करते हैं, जो कि जिसको कि बंधन बैंक में मर्ज किया गया है। सवाल यहां पर यह है कि ग्रह फाइनेंस किसकी, निम्न में से किसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, ग्रह फाइनेंस निम्न में से किसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको कि बंधन बैंक के साथ यहां पर डिक्लेयर किया गया है, मतलब मर्ज किया गया है। फटाफट से आंसर देके बताइए, आंसर आ चुका संप्रति, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, संप्रति एक्सरसाइज है इंडिया बांग्लादेश, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या सॉन्ग है सर, ढाका टक्कर ढाका, भाई फेमस हो गया है तो ढाका टक्कर, वो शक्ति कपूर का ढाका याद आया था, डिक्की आऊ, ठीक है, तो वैसे ही बन गया ये भी ढाका टक्कर, ठीक है। अब आंसर की बात करते हैं, तो आंसर यहां पर HDFC है, जो HDFC की एक सब्सिडरी है ग्रह फाइनेंस, उसे बंधन बैंक में मर्ज किया गया है। बंधन बैंक पर रिसेंट में RBI ने जो एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि तुम ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, वो रेस्ट्रिक्शन भी हटा दी है, ये ब्रांच एक्सपेंड कर सकता है। बंधन बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर याद रखेगा, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है।
रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई थी क्योंकि इसका जो प्रमोटर का शेयर, जब इसको बनाया गया था, जब इसको लाइसेंस दिया गया तो इसमें प्रमोटर का शेयर 82% था। इस शर्त पे दिया गया था लाइसेंस कि तुम अपने प्रमोटर के शेयर को 2018 तक 40% तक रिड्यूस करके लाओगे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आरबीआई ने कह दिया कि भाई अब तुम ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे ही शक्तिकांत दास गवर्नर बने, उन्होंने कहा कि नहीं भैया तुम तो ब्रांच ओपन कर सकते हो, तुम्हारा बैंक तुम्हें, हमें क्या दिक्कत। ठीक है, अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किस कंट्री ने हाल ही में अभी डिपार्चर टैक्स लगाना शुरू किया है? किस देश ने देश छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर प्रस्थान कर लगाना शुरू कर दिया है? मैं उसी ही देश की बात कर रहा हूं जिसके फॉरेन मिनिस्टर अभी रीसेंट में इंडिया में विजिट पर आए थे, रीसेंट में इंडिया में विजिट पर आए थे, और उनका नाम क्या कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो इंडिया और उसके बीच में अभी एक सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भी रही है और उसका वेन्यू आगरा रहा था, तो यहां मैं बात कर रहा हूं जापान की। ठीक है, जापान और इंडिया के बीच में अभी एक एक्सरसाइज रही थी सिन्यू मैत्री, जो आगरा में रही थी, और जापान ने ही अभी हाल ही में डिपार्चर टैक्स लगाना शुरू किया है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। ठीक है, और करेंसी की बात करें येन है। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात करें सिंजो अबे यहां के प्रधानमंत्री, अपना आंसर बनता ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसे। Who has joined International Monetary Fund as a chief economist? किन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर अपना बनता ऑप्शन नंबर 1। गीता गोपीनाथ की बात करेंगे, गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यभार संभाला है। IMF की बात करें, IMF की जो चीफ है उनका नाम है क्रिश्चियन लिगाडे, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC USA है। एंड इसके अलावा इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है वो आप लिख के बताइए। क्या 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है? इसका लास्ट मेंबर क्या नॉरू है? अगर ऐसा है तो यस सर, अगर नहीं है तो भाई आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, फटाफट से आंसर देके बताइए कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, क्या 1944 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है? ये अगर सब बातें सही है तो लिख दीजिए यस सर, अगर नहीं है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एग्जैक्टली क्या राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुमार राजेश चंद्र की बात करते हैं, वो डायरेक्टर जनरल बने सशस्त्र सीमा बल के। इससे पहले SS देसवाल थे, अब ये बन गए डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। मतलब सिंपली याद रखना है, कुमार राजेश चंद्र को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और इस सशस्त्र सीमा बल का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। यस सर ऐसा ही है। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। यस सर, जितना मैंने बताया मतलब मैंने सही बताया, मतलब गीता पे हाथ रख के मैंने जो भी बोला वो सच ही बोला है। अपने आंसर की बात करें, आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सब्यसाची भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सब्यसाची भट्टाचार्य का भी हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है, इनका नाम है सब्यसाची। ओके, ये सब भी रहे होंगे, सच्चे भी रहे होंगे, भट्टाचार्य तो है ही है। इनका निधन हो गया और ये क्या थे, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, आंसर का वेट कर रहा हूं। कवि, एथलीट, क्रिकेटर, राजनेता, इतिहासकार। ही वॉज द पॉलिटिशियन, ही वॉज द एथलीट, ही वॉज द क्रिकेटर, ही वॉज द पॉलिटिशियन, ही वॉज द हिस्टोरियन। मैं तो जाऊंगा हिस्टोरियन के साथ, ऑप्शन नंबर 5 के साथ। बच्चे भी जा रहे हैं यहां पर हिस्टोरियन के साथ। चलिए सर आप चलिए, हम तो आपके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, अपना आंसर बनता है ये इतिहासकार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल में 2 अपॉइंटमेंट रहे हैं। ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल में 2 अपॉइंटमेंट रहे, एक एज अ चेयरमैन, दूसरा रहा एज अ वाइस चेयरमैन। चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट रहा है अनंत पद्मनाभन का, और वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट रहा है शंकर सेन का। अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5। अनंत पद्मनाभन का अपॉइंटमेंट रहा एज अ चेयरमैन, और शंकर सेन की बात करेंगे उनका अपॉइंटमेंट रहा एज अ वाइस चेयरमैन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, RBI ने भी हाल ही में 5 लोगों का एक पैनल बनाया है जो डिजिटल पेमेंट है उसको और बेहतर इंप्रूव करने के लिए, अपनी सलाह देने के लिए 5 लोगों का एक पैनल बनाया गया। इस पैनल को हेड कौन करेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में सुधार के तरीके सुझाने के लिए 5 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है, और इस पैनल या इस समिति का प्रमुख कौन होगा? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना मैं पसंद करूंगा, नंदन निलेकानी की बात करेंगे। ही विल बी अ चीफ, ही विल बी अ हेड, ही विल बी अ चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल। एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट मार्क करेगा भैया इसको। ठीक है, अगला सवाल, किस शहर में सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुआ है? किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है? पहला तो भैया नई दिल्ली में रहा था। इसका इनॉग्रेशन की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करें जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। बट सवाल यह है कि यह कहां पर हो रहा है, सवाल यह है कि यह कहां पर हो रहा है। 40 सवाल तक पहुंच चुके, अभी दोस्त बहुत बाकी हैं। आंसर की बात करेंगे, आंसर अपना ऑप्शन नंबर 5 बनता है, पुणे में यह होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, पुणे में होगा।
पुणे में अभी आउल फेस्टिवल भी हुआ, इसको भी याद रखना, जो उल्लू महोत्सव है वो भी आपका कहां पर हुआ था, पुणे में हुआ। देखिए मेरे लिखने से पहले आ गया था यहां पर श्रीवास्तव जी का आंसर कि पुणे में अपना उल्लू महोत्सव भी हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस कंट्री, कौन सी कंट्री है जो कि 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशन को होस्ट करेगी, कौन सा देश 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशन की मेजबानी करेगा, टोगो, सेनेगल, गैबोन, इजिप्ट या मोजाम्बिक। देखिए मोजाम्बिक की कैपिटल है मपूतो, मपूतो, ठीक है, और करेंसी चलती है यहां पर मेटिकल। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और करेंसी है पाउंड, बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी आप बताओगे, ठीक है। अब यही है जो कि होस्ट करने जा रहा है 2019 अफ्रीका कप को, जो अफ्रीका कप ऑफ नेशन की बात करो उसे होस्ट कौन करेगा, इजिप्ट, ठीक है। और जरा ये बता दी, सेनेगल की कैपिटल डकार है, करेंसी फ्रेंक है, ठीक है। अब ये टोगो की क्या है, गैबोन की क्या है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, टोगो की कैपिटल करेंसी क्या है और गैबोन की क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, रायसीना डायलॉग की बात करें तो वो नई दिल्ली में अभी शुरू हुआ है, आयोजित हुआ है वो कम, ओके आंसर ही पहले मैंने दे दिया है यहां पर, ठीक है, ओके नहीं नहीं यहां पर सवाल ये है कि जो रायसीना डायलॉग है, रायसीना हिल्स की बात हो रही, जहां पर कि अपने जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, अगर अभी बात करते हैं एट प्रेजेंट तो कौन है, रामनाथ कोविंद जी, उनका आवास भी है, मतलब कि जो प्रेजेंट हाउस है वो कहां पर है, इसी रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, तो उसी के नाम से न्यू दिल्ली को बोला गया कि भैया रायसीना डायलॉग के नाम से बोला गया। बहुत सारे देश के प्रतिनिधि यहां पर आए थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग वो भी जब आई हुई थी तो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सवाल यह है कि इसका कौन सा एडिशन है जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, आंसर आ रहा है फोर्थ एडिशन की बात हो रही है, फोर्थ एडिशन इसका आयोजित हुआ, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5 जज का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई थी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो लैंड डिस्प्यूट केस है उसकी सुनवाई के लिए। सवाल यहां पर यह है कि इस बेंच को हेड कौन करेगा, जिसमें ये जो ललित साहब है ना, उदित यू ललित साहब है, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, इन्होंने कहा है कि भाई मेरे अब मैं इसका पार्ट नहीं हूंगा, क्यों किस कारणों से वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, यहां तक सिर्फ इतना याद रखना है कि जो उदित यू ललित है इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया इस 5 जो सदस्यों का जो पैनल बनाया गया था उसमें से, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी। अब जो इसकी सुनवाई होनी थी वो 9 जनवरी को होनी थी, अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया 29 जनवरी के लिए। अब यार ये बोला गया है कि इस 5 जो सदस्यों को है ना दोबारा चुना जाएगा, अब दोबारा चुना जाएगा तो जहां तक है यही बदले जाएंगे, बाकी तो सेम रहेंगे, और इसको हेड करने की बात भी एक ही के नाम है, रंजन गोगोई इसे हेड करेंगे, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। फिर दोबारा जो 5 लोगों का पैनल होगा उसमें यू ललित की जगह कोई और हो सकता है, बट बाकी के जहां तक है सेम ही रहेंगे, और इसको हेड भी रंजन गोगोई साहब ही करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहां पर बदला नहीं है। नेक्स्ट, लोकसभा की बात करते हैं, अभी देखो ये तो अब रट गया है सभी को, 10% रिजर्वेशन 124th अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो जो यहां पर बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात हुई, वो किस नंबर का अमेंडमेंट है तो वो याद रखना है, वो है 124th, अपना आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा ने सामान्य श्रेणी, लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात होगी, उन्होंने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है, इसको पारित कर दिया, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं भैया, तो थक गए, ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ये भी रट गया होगा भैया, सबको रट जाना चाहिए, सीएसओ की ग्रोथ रेट कितनी है सर, 7.2%। सर आरबीआई की ग्रोथ रेट कितनी है सर 2018-19 के लिए फोरकास्टिंग 7.4%। इनके बीच में कौन आ गया, इनके बीच में सर वर्ल्ड बैंक आ गया, ये इन दोनों का भरत मिलाप को बंद कर दिया किसने, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक आ गया, इसने कहा 7.3% रहेगी। अब एडीबी भी कहां पीछे रहेगा, उसने कहा भैया तू चल मैं आया, तो 7.3% इसने भी ग्रोथ रेट फोरकास्ट कर दी। अपना आंसर, सवाल क्या है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2018-19 के लिए कितनी फोरकास्ट की, तो अपना आंसर बनता है 7.3%। आई होप सो क्लियर होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने 2019-20 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की, तो अपना आंसर यहां पर बनता ऑप्शन नंबर 4, 7.5% यहां पर आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भैया वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट की है। आई होप सो गाइस दोनों चीजें क्लियर होती चल रही होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अभी 8 जनवरी 2019 को इंडियन आर्मी और किस बैंक ने डिफेंस सैलरी पैकेज को लेकर समझौता किया है। देखिए बहुत सारे बैंकों के साथ समझौता होता है, इसलिए मैंने यहां पर डेट इंपॉर्टेंट मार्क कर दी है कि 8 जनवरी 2019 को किस बैंक के साथ डिफेंस सैलरी पैकेज को लेकर समझौता किया गया, तो अपना आंसर यहां पर बनेगा पंजाब नेशनल बैंक। इंडियन आर्मी और पंजाब नेशनल बैंक ने डिफेंस सैलरी पैकेज को लेकर अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी रिपोर्ट आई है और कहा है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा, बट सवाल यहां पर यह है कि किस ईयर तक यह 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा। अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर बनेगा तो भैया लार्जेस्ट कौन सा है और 2nd लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट और 2nd लार्जेस्ट जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 4, 2030 तक एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट।
इंडिया इज सेट टू, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाय 2030। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। एक सवाल मेरा ये है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लार्जेस्ट की बात करें तो यूएसए है, सेकंड लार्जेस्ट की बात करें चाइना है, थर्ड लार्जेस्ट अपना इंडिया है, ठीक है, ये क्लियर है। ये बोला यार 2030 की, कि इंडिया 2030 तक हो जाएगा, बट मेरा सवाल यहां पर ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट से लिखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस कंट्री ने अभी हाल ही में सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया है? न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड 1 जुलाई से करने जा रहा है इसको बैन, और अभी हाल ही में 1 जनवरी से बात करो तो देश ने तो इसको बैन ही कर दिया है। आंसर आ चुका है लुसाने की बात हो रही है, लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड इज अ हेडक्वार्टर, कोलोंगी भी आ रहा है। भैया बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जरा मेरे को एक आंसर बताइए, एक आंसर कौन सा है, ठीक है, या तो लुसाने की तरफ जाएंगे कोलोंगी की तरफ जाएंगे। सर मैं तो कोलोंगी की तरफ जाऊंगा, कोलोंगी स्विट्जरलैंड, कोलोंगी जिनेवा स्विट्जरलैंड इज अ हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस बात को याद रखना। अपना आंसर यहां पर साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने सुपरमार्केट में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी वॉन है। मून जे इन साहब की बात करेंगे, ये राष्ट्रपति हैं भैया साउथ कोरिया के, इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 50 अपनी हो चुकी है। प्रणव आर मेहता साहब की बात करते हैं, इन्होंने ग्लोबल सोलर काउंसिल के 1 जनवरी 2019 से प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अब इस ग्लोबल सोलर काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है? पहले भारतीय बने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा कि ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसने अभी कार्यभार संभाला 1 जनवरी 2019 से। अपना आंसर बनता है प्रणव आर मेहता। अब दूसरा सवाल यह है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, वॉशिंगटन डीसी यूएसए इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल सोलर काउंसिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है? और दूसरा सवाल, इंडिया की रैंक क्या है? देखिए मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर एमसीक्यू भी अभी अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए सब कुछ कवर हो जाए इस न्यूज से। दो ही सवाल बन सकते हैं कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है, और दूसरा सवाल बन सकता है इंडिया की रैंकिंग क्या है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट की बात करें तो वो आंसर अपना जापान है, जापान का है, और इंडिया की रैंकिंग की बात करें, इंडिया की रैंकिंग 79th, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि ईरान के एक बैंक को कि वो अपनी ब्रांच मुंबई में ओपन करे, और इंडिया के बैंक को अलाउ किया गया कि वो अपनी ब्रांच ईरान में ओपन करे। अब इंडिया का कौन सा बैंक है और जापान का, ओके, ईरान का कौन सा बैंक है जिसको अलाउ किया गया, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। आंसर की बात करेंगे, आंसर अपना ऑप्शन नंबर जाएगा 4th, पसरगढ़, जो ईरान का बैंक है उसको अलाउ किया गया कि भाई मुंबई में ब्रांच ओपन करो, और जो यूको बैंक है उसको बोला गया कि तुम ईरान में अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हो। एक पोर्ट बना है अभी ईरान में, ठीक है, उसी के ट्रांजेक्शन को लेके ये बोला गया कि ईरान का बैंक भाई अपनी ब्रांच इंडिया में ओपन करे और इंडिया का बैंक ईरान में ओपन करे, जिससे कि ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। अब उस पोर्ट का नाम क्या है जो कि ईरान में बनाया गया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता पाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। उस पोर्ट का नाम क्या है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आरबीआई ने अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ, जो श्रीलंका का केंद्रीय बैंक है, उसके साथ स्वैप अरेंजमेंट के थ्रू इतने यूएस डॉलर देने की बात की है। अब वो कितने यूएस डॉलर देने की बात की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वैप व्यवस्था के तहत श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को कितने अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति अपनी दे दी है। आंसर आ चुका है चाबहार पोर्ट। बहुत बढ़िया दोस्त, देखिए चीजों को इंटरलिंक करिए, बहुत बेहतर रहेगा। एक से चार चीजें याद करिए, जितना बेहतर तरीके से इंटरलिंक कर पाएंगे ना उतना बेहतर रहेगा। एक से चार चीजें याद करने की कोशिश करिए और देखिएगा, डेफिनेटली यार आपकी नॉलेज ना इस लेवल तक ही पहुंच जाएगी ना। अगर कोई आपसे ये पूछेगा और आप इतनी चीजें बताओगे ना, तो आपसे वो सच में आपको सल्यूट करेगा, यार वाह क्या बात है यार, तुम्हारे पास तो बहुत नॉलेज है। बट अगर आपसे एक सवाल पूछा और आप एक ही तक बता पाओगे उससे रिलेटेड, फिर अगला पूछा फिर, तो यार दोस्त मेरे मजा नहीं आएगा। आप फिर ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही अलग दिखते भीड़ से, ऑर्डिनरी तो सब एक ही है यार दोस्त। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी लाओ जो औरों में नहीं है, और जो औरों में है उस क्वालिटी को अपने अंदर और बेहतर तरीके से लाओ, तो आप तो और बेहतर बन जाओगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अपना आंसर यहां पर बनता है 400 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट,
तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है ईके पलानी स्वामी। उन्होंने अभी हाल में एक अनाउंसमेंट किया है कि जो कल्ला कुरुची डिस्ट्रिक्ट है वो बनाया जाएगा। ये किस नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है तमिलनाडु का, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनने वाला तमिलनाडु का। कल्ला कुरुची को विल्लुपुरम से बायफर्केट करके बनाया जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनेगा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ईके पलानी साहब ने कहा है कि जो विल्लुपुरम है उसको बायफर्केट करके हम एक डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है कल्ला कुरुची। अब कल्ला कुरुची जो हो जाएगा वो 33वां डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा तमिलनाडु का। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे, अब 33 हो जाएंगे, कहां पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एमसी मैरीकॉम की बात करते हैं, जो AIBA है, आईबा है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसकी लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग में ये टॉप प्लेस पे पहुंच गई हैं, शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। सवाल यहां पर ये है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द AIBA, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आईबा, AIBA या यूं कहें आईबा, इसका मुख्यालय कहां पर है, लंदन, जिनेवा, बर्न, लुसाने या वियना। फटाफट से आंसर देके बताइए। आंसर की बात करो, ऑप्शन नंबर 4 के साथ स्टूडेंट जा रहे हैं कि लुसाने स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आईबा। देखिए रट लीजिएगा, रैंकिंग तो नहीं बट हां आईबा से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट में हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है वेब वंडर वुमेन। जितनी भी महिलाएं ना सोशली वर्क करती हैं, सोशल लेवल पर जितना भी कह सकते हैं वर्क करती हैं, उसको लेके उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वेब वंडर वुमेन। सवाल यहां पर यह है कि जिस मिनिस्ट्री ने इसे डेवलप किया उस मिनिस्ट्री की शुरुआत कब से हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो ये कब से एक नई मिनिस्ट्री के तौर पर बनी थी। देखिए इससे पहले ये HRD मिनिस्ट्री का पार्ट हुआ करती थी, बट इस वर्ष से, जिसका आंसर आप अभी डिक्लेयर करेंगे, उस वर्ष से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। बट सवाल यह है किस वर्ष से यह अस्तित्व में आया, तो आंसर अपना बनता है 2006। अभी ये एग्जाम का ही पार्ट रहा है इसलिए मैंने यहां पर इसे डिस्कस किया, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस शहर में फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन अभी आयोजित हुआ है, किस शहर में 2019 के लिए बाल संरक्षण पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया है। अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल शब्दों में फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो कहां पर हुआ, तो अपना आंसर बनता है न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस शहर में फोर्थ मीटिंग रही है काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन की, CTDP की बात करें, काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन की बात करें, विकास एवं संवर्धन परिषद की बात करें, उसकी जो चौथी मीटिंग हुई है उसका वेन्यू क्या रहा था, किस शहर में व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद की चौथी बैठक आयोजित की गई। अपना आंसर बनता है सिंपल शब्दों में ऑप्शन नंबर 1, न्यू दिल्ली। इसका भी आंसर न्यू दिल्ली, इससे पहले वाले का भी आंसर अपना न्यू दिल्ली बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेबी ने अभी एक कमिटी बनाई है, उस कमिटी का पर्पज इतना है कि जो कैपिटल मार्केट है उसको डेवलप किया जाए, उसकी जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, उन्हें और बेहतर किया जाए, जो पॉलिसीज है उन्हें और बेहतर किया जाए, तो इन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए ये पैनल इसे असिस्ट करेगा, जिस पैनल का नाम रखा गया है रिसर्च एंड एडवाइजरी पैनल या रिसर्च एंड एडवाइजरी कमिटी। सवाल यहां पर यह है कि इस रिसर्च एंड एडवाइजरी कमिटी को लीड कौन करेगा, इसको हेड कौन करेगा। आंसर बनता अपना शंकर डे इसको हेड करेंगे। सेबी की बात करें, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1988, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में यह स्टैचुरी बॉडी बना था। स्टैचुरी बॉडी मतलब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट के थ्रू बनती है तो हम उसे बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती है, संविधान के थ्रू, हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस बात को याद रखिएगा, सेबी 1988 में स्थापित हो गया था बट स्टैचुरी बॉडी बना था 1992 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है और सेबी के चेयरमैन की बात करते हैं तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट, यह पूंजी बाजार का नियामक है, इसे रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म बनती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी काउंसिल ने अभी एक स्टेट को बोला है, केरला को बोला है कि भाई मेरे केरला, अभी तुम्हारे यहां पर बहुत तगड़ी डिजास्टर आई थी, आपदा आई थी, फ्लड आई थी, ठीक है, अब उसको लेकर यार तुम्हारे यहां बहुत बर्बादी हुई है, अब इस बर्बादी की भरपाई कहां से की जाए, तो एक काम करो पब्लिक से पैसा ले लो। अब पब्लिक से पैसा कैसे लेंगे, टैक्स के रूप में लेंगे, और वो टैक्स कैसे लिया जाएगा, सेस के रूप में लेंगे। तो यहां पर बोला गया ये सेस इतने प्रतिशत लीजिए और इतने वर्षों तक लीजिए। सिंपल शब्दों में जीएसटी काउंसिल ने केरल को राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के बाद आपदा राहत प्रयासों में मदद करने के लिए इंट्रास्टेट आपूर्ति पर दो साल तक के लिए 1% उपकर, मतलब सेस की बात हो रही है, लगाने की अनुमति देने का निर्णय किया। तो याद रखना कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, और कितने प्रतिशत लगाने की अनुमति दी गई है, तो वो अपना आंसर बनता है 1%।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश का सेवेंथ जो एयरपोर्ट है वो ओरावा कल्लू में, मतलब कि जो कर्नूल शहर है, देखिए दोबारा समझ लेते हैं इसे, किसने, कुर्नूल शहर के पास ओरवा कुल्लू में आंध्र प्रदेश के सातवें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। आंसर इज एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू साहब ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, उनके द्वारा कुर्नूल शहर के पास ओरवा कुल्लू में आंध्र प्रदेश के सातवें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक समझौता किया है, इस समझौते के तहत डेटा सेंटर पार्क को डेवलप किया जाएगा। समझना, आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले 20 वर्षों में विशाखापट्टनम में और उसके आसपास 5 गीगावाट क्षमता तक डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सवाल यहां पर यह कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके साथ किया गया है, तो अपना आंसर बनेगा अडानी ग्रुप के साथ इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अभी एडीबी ने, यार देखो फिर आ गया ना एडीबी, अब तो रट गया होगा सबको, कहते थे ना ग्रोथ रेट याद नहीं होती, अब तो ग्रोथ रेट याद हो रही है ना। सीएसओ कितना है सर, 7.2%। सर आरबीआई कितना है सर, 7.4%। सर एक बात बताइए, वर्ल्ड बैंक कितना है सर, 7.3%। सर एडीबी कितना है सर, 7.3%। तो वही मैं लिख देता हूं फिर दोबारा से, अपना आंसर बनता ऑप्शन नंबर वन, एडीबी ने बोला 7.3% फॉर 2018-19, एडीबी ने 19-20 के लिए बोला 7.6%। इस बात को याद रखना, 2019-20 के लिए कितना है, 7.6%। एडीबी ने अभी एक और बात बोली है, एडीबी ने कहा है कि 2019 में जो हम फंडिंग करेंगे इंडिया को, उसे बढ़ाकर हम ले जाएंगे 31,500 करोड़ रुपए तक। अब 31,500 करोड़ को अगर बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो यह अमाउंट बनेगा 4.5 बिलियन। एडीबी ने कहा है कि जो इंडिया को हम फंडिंग करेंगे 2019 तक, 2019 में ये बढ़कर हो जाएगी 4.5 बिलियन। मतलब अभी भी जो करें 3.5 बिलियन तक जो भी कर रहे हैं, उसके बाद बढ़कर ये कितनी हो जाएगी, 4.5 बिलियन तक हो जाएगी। एग्जाम में इसका अमाउंट रुपीज में भी पूछ सकता है, बिलियन में भी पूछ सकता है, तो डॉलर में पूछेगा तो याद रखना 4.5 बिलियन डॉलर। अगर रुपीज में पूछते तो 31,500 करोड़ रुपए यहां पर बात की गई है। एडीबी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस, इसका हेडक्वार्टर, इस बात को याद रखना। ताके हेको नकाओ साहब की बात करें, अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, और ये किस देश से है, ये जापान से, इस बात को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसरो ने अभी हाल ही में कहा है कि जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है उसको वो बनाने जा रहा है, और ये कहां पर बनेगा, ये आपका बेंगलुरु में बनाया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर को कहां पर बनाने जा रहा है। एडीबी बड़ा बतूनी है, इतना कौन बोलता है, ओके कोई दिक्कत नहीं, अपने काम की चीज है। आंसर की बात करें बेंगलुरु में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट की बात करते हैं इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के, उनका नाम है वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। इनको भैया चीफ बनाया गया 2020 के समर ओलंपिक के लिए। सवाल यह है कि 2020 का जो समर ओलंपिक है, इसका वेन्यू क्या रहेगा, अपना आंसर बनेगा जापान टोक्यो, मतलब टोक्यो जापान विल बी अ वेन्यू ऑफ द 2020 समर ओलंपिक्स। जो 2020 समर ओलंपिक्स है उसका वेन्यू क्या रहेगा, टोक्यो जापान उसका यहां पर वेन्यू रहने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 25th edition of CII, Confederation of Indian Industry Partnership Summit कहां पर हुआ, अपना आंसर बनता ऑप्शन नंबर 5th, मुंबई महाराष्ट्र was the venue of the 25th edition of CII Partnership Summit, Confederation of Indian Industry। I hope so guys clear होगा, यहां तक क्लियर है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, यस सर यहां तक क्लियर होता चल रहा है। इवन कोई डाउट है दोस्त मेरे, वो भी आप पोस्ट कर सकते हो। अगर सेशन पसंद आ रहा प्लीज लाइक को भी बढ़ाते चलिएगा, क्योंकि यहां पर अराउंड 970+ बच्चे देख रहे हैं, 76 एग्जैक्ट बात करूं, और लाइक मेरे दोस्त बड़े कम चल रहे हैं, लाइक अभी भी 644 चल रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई, कम से कम जाते जाते यार 1000 लाइक तो अपने भाई को देके जाना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूनियन कैबिनेट ने 3 एम्स अप्रूव किए हैं। एक तो भैया गुजरात के राजकोट में 1195 करोड़ से, कश्मीर के पुलवामा में 1828 करोड़ रुपए से, और जम्मू के सांबा में 1661 करोड़ रुपए से। यह अनाउंसमेंट रहा था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है जेपी नड्डा, और ये राज्यसभा एमपी है कहां से, हिमाचल प्रदेश से, इस बात को भी याद रखिएगा। ये राज्यसभा एमपी कहां से, हिमाचल प्रदेश से है, अपना आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1, जेपी नड्डा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट बने हैं मडुरो साहब को भैया राष्ट्रपति बना दिया कि दूसरे कार्यकाल के लिए, किस देश के, सर आंसर टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं मादुरो जी, किस कार्यकाल के लिए, दूसरे कार्यकाल के लिए। वेनेजुएला कैपिटल कराकस, करेंसी वॉलेबर। बुल्गेरिया कैपिटल सोफिया, करेंसी लेव, ठीक है। अल्जीरिया कैपिटल अल्जीरियस, करेंसी दिनार। आर्मेनिया कैपिटल यारेवन एंड करेंसी द्रम चलती है यहां पर। अंगोला कैपिटल लुआंडा, करेंसी क्वांजा चलती है। वेनेजुएला की एक डिजिटल करेंसी भी है, उस डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख पाए तो बेहतर रहेगा। पेट्रो क्या डिजिटल करेंसी वहां की है, अगर ऐसा है तो यस सर, नहीं है तो भैया जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ताइवान के प्रेसिडेंट का नाम है तसाई इंग वेन,
उन्होंने सू सेंग चेंग को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ये तो भैया दो सवाल अलग अलग हो गए, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि ताइवान की करेंसी क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ द ताइवान। अपना आंसर बनता ऑप्शन नंबर 3, डॉलर इज द करेंसी ऑफ द ताइवान। ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेंग ने सू सेंग चेंग को प्राइम मिनिस्टर बनाया है और अपना आंसर यहां पर बनता है कि भाई करेंसी क्या है ताइवान की, तो अपना आंसर बनेगा डॉलर। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट, 10th इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात करें, वो नई दिल्ली में हुआ। सवाल सुनिएगा, 10th हुआ है नई दिल्ली में इंडिया जापान का फॉरेन मिनिस्टर लेवल की स्ट्रेटेजिक डायलॉग। बट सवाल यह है कि जापान के विदेश मंत्री का नाम क्या, जो अभी इंडिया में आए थे। आंसर बनता है तारो कोनो, उनका नाम है। तारो कोनो इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान, जो कि इंडिया में 10वें इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए आए थे, जिसका वेन्यू रहा था नई दिल्ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस बैंक ने नेस्कॉम के साथ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमाइज क्रेडिट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो उस बैंक का नाम है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, या आरबीएल बैंक के नाम से भी आप इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडस फूड फेयर की बात करें तो 14 जनवरी से कहां पर स्टार्ट होगा। अपना आंसर बनता ऑप्शन नंबर 1, ग्रेटर नोएडा विल बी अ वेन्यू ऑफ इंडस फूड फेयर। सिंपल शब्दों में इंडस फूड फेयर का वेन्यू क्या रहेगा, आपका ग्रेटर नोएडा इसका वेन्यू रहेगा। नेक्स्ट गाइज, जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से, बायोरुंग ब्रिज की यहां पर बात हो रही है। बायोरुंग ब्रिज का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया। इस ब्रिज की मैं बात करूं तो 300 मीटर ये सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है और इसका नाम है बायोरुंग ब्रिज। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया। देखिए, एक सवाल यह भी बन सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के भी ये यिंग क्योंग में है। ये बात एग्जाम के लिए रिलेवेंट बनती है किस डिस्ट्रिक्ट में भी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसका नाम क्या है, कितने मीटर का, 300 मीटर का है। बट आंसर यहां पर जो बनेगा वो ये बनेगा कि अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करते तो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 सालों के लिए बने हैं डी एच कैलहेन की बात करें, वो यहां पर क्या बने, 5 सालों के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा ग्रुप की, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी बात करें तो उसकी फाउंडेशन ईयर क्या है, उसका फाउंडेशन ईयर क्या है, तो अपना आंसर यहां पर जो बनेगा, ओके, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ स्टूडेंट जा रहे हैं, 1968 के साथ जा रहे हैं, 1968 विल बी अ राइट आंसर। टीसीएस की स्थापना आपकी 1968 में, ओके, 1968 में हुई थी। इसी के साथ इसी सेशन को यहीं पर एंड अप करेंगे। बाकी की और न्यूज़ के लिए प्लीज हमारे साथ सुबह 7 बजे जुड़िए, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का हम डिस्कशन करते हैं। आई होप सो गाइस सेशन आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली अराउंड मैंने यहां पर आपके साथ 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वीक के क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा जितना भी बचेगा उसे फ्राइडे के सेशन में कवर करेंगे, करंट अफेयर के सेशन में कवर करेंगे, वीकली के सेशन में कवर करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि को सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, सारी न्यूज आपको यहीं पर मिले, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। सेशन पसंद है प्लीज लाइक करेगा और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए और मेरे साथ सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।